सब लोग वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं इररेगुलर शेप। इररेगुलर शेप का हम पेरीमीटर फाइंड आउट करने वाले हैं। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ये बेसिकली फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ इररेगुलर शेप्स पार्ट टू है। तो पार्ट वन के अंदर मैंने एक एरो का पेरीमीटर निकाला था ऐड करके, तो इस बार भी हम वही करने जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक ट्विस्ट है। तो सो लेट्स चेक आउट द क्वेश्चन। और हाँ, जो एरो वाला इररेगुलर शेप था, उसका जो पेरीमीटर निकालने का जो मेथड था, वो मैंने उसकी जो वीडियो है और लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो, इट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइस, ये हमारा इररेगुलर शेप। तो इसके अंदर ट्विस्ट ये है कि इसके अंदर सारे के सारे मेजर्स है और हमें इनको ऐड करना होता है, लेकिन ऐड करने के बाद ये इंटू थ्री क्यों लिखा है। इसका मतलब है कि ये जो सारा का सारा मेजरमेंट जब हम ऐड करेंगे तो इसका थ्री टाइम्स, इसके जैसे थ्री रेगुलर शेप्स डाला है इधर, शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली। तो जैसे हम इसे ऐड करेंगे तो फिर ये इंटू थ्री, तो फिर हमें इसे इंटू थ्री मल्टीप्लाई करना है। सो चलिए, इस सारे के सारे इररेगुलर शेप के तमाम साइड के जो मेजर्स हैं, इन सबको ऐड करते हैं और फिर उसके बाद हम वो जो हमारा सम निकलेगा, एडेड सम, उसे हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टार्ट। सो गाइस, मैंने अब पूरी तरीके से जो अपना पेन है उसे मैंने चालू कर दिया है। तो अब चलिए इन सबको ऐड करते हैं। 5.5 + 2.5 + 5 + 2 cm +6 cm +3 cm +1 cm यानी सेंटीमीटर। हमें अब इन सारे के सारे मेजर्स को ऐड करना है। तो अगर हम 5.5 + 3.4 + 2.5 + 2 cm + 6 cm + 3 cm + 1 cm करेंगे तो हमारा आंसर लिख लेगा 23.4 cm। सो गाइस, अब हमें 23.4 cm को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 23.4 × 3 = 70.2। सो गाइस, बहुत टाइम से मैं अपने चैनल के ऊपर और लिख के कुछ भी प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, सब भी एक्चुअली एडिटेड हो रहा है। सारे पिक्चर्स और सारे के सारे, मतलब जो मेथड लिखने का है, वो सारा का सारा एडिटेड है। तो मैं नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझाऊँ भी, एक्सप्लेन भी करूँ और लिखता भी रहूँ, ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो और फ्यूचर में मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट दूँगा। फ़िलहाल के लिए तो आज की प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ इतनी है, और आगे हम और पेरीमीटर क्वेश्चंस लाएंगे। और साथ ही साथ अब जो एरिया का जो सेशन है पेरीमीटर के बाद जो था वो भी जल्दी चालू होने वाला है। वो शायद आपको कल या परसों की वीडियोस के अंदर दिख जाएंगी।
ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलना। तो हमेशा की तरह आपका लाइक एम है 50 और हमेशा की तरह जो हमारा सब्सक्राइबर एम है टिल द मिड ऑफ द ईयर वो है 100 सब्सक्राइबर्स। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो स्टे सेफ। See you later in the next video. Bye-bye.